बिहार के युवा शक्ति को मेरा जय हिंद। मैं मोहम्मद जौहर, डिफेंस कैरियर एकेडमी बिहार की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको स्टाफ सिलेक्शन की ओर से कंडक्ट की जाने वाली सिपाही जनरल ड्यूटी की भर्ती के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे कर्मचारी चयन आयोग भी कहा जाता है, समय समय पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए सिपाही जनरल ड्यूटी की खुली भर्ती कंडक्ट करता है, जिसका मकसद इन केंद्रीय सुरक्षा बलों में होने वाली खाली पदों को भरना होता है। इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में शामिल हैं बीएसएफ, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी कहते हैं, सीआरपीएफ, जिसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो कि आप एयरपोर्ट्स में देखते हैं, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जो आप किशनगंज के अगर निवासी हैं तो किशनगंज वाले बॉर्डर में आपको देखने को मिलता है, जो नेपाल की तरफ है। इसके अलावा आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, चाइना बॉर्डर पे ज्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एसएसएफ, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स और असम राइफल। ये भर्ती की इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा फॉर्मुलेट की जाती है और इसके पदों की संख्या एमएचए कमीशन को, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सूचित करता है और भर्ती के एग्जाम का प्रचार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। भर्ती की प्रक्रिया के दौरान एग्जाम तीन चरणों में कंडक्ट किया जाता है। हम तीनों चरणों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। पहले चरण में रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। पहले चरण की परीक्षा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसे सीबीई भी कहा जाता है। इस एग्जाम में 100 प्रश्नों के उत्तर 90 मिनट के अंदर देने होते हैं, जिसे क्वालिफाई करने पर दूसरे चरण के लिए आपको बुलाया जाता है। दूसरे चरण का एग्जाम का आयोजन सीएपीएफ, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें दो तरह से आपकी जांच होती है। एक है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे पीएसटी कहते हैं, दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पीईटी कहा जाता है। दोस्तों, पीएसटी के दौरान आपकी हाइट, चेस्ट और वेट की जांच होती है। ये कैसे होती है, इसमें कितनी छूट मिलती है और इसके टिप्स की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को और फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में हम जल्द ही आपको इसकी डिटेल में जानकारी देंगे। जो कैंडिडेट हाइट में क्वालिफाई कर जाते हैं, उनका वजन और चेस्ट की नाप बाद में ली जाती है। हाइट क्वालिफाई करने के बाद पहले 25 से 30 युवाओं का ग्रुप बनाकर 5 किलोमीटर की दौड़ कराई जाती है। जो युवा दौड़ क्लियर कर लेते हैं, उनका हाइट, चेस्ट और वजन का नाप लिया जाता है। पीएसटी, पीईटी को क्वालिफाई करने वालों को तीसरे चरण के एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, यानी कि मेडिकल टेस्ट के लिए उसे बुलाया जाता है। दोस्तों, तीसरे चरण का एग्जाम भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के मेडिकल ऑफिसर आपकी मेडिकल जांच करते हैं और साथ ही इसी चरण में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ते हैं। सेंटर पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर आपके पूरे शरीर का मेडिकल जांच किया जाता है। डिटेल मेडिकल एग्जाम के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां आपको विस्तार से पूरी जानकारी दूंगा कि आपको पहले से क्या क्या चेकअप करवा कर जाना है, कौन कौन सा इलाज करवा कर जाना है, वहां पहुंचने पर कौन कौन से चेकअप किस किस तरह से होते हैं और किन बातों से आप अनफिट कर दिए जाते हैं, और अगर आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसे आप ठीक कर सकते हैं तो फिर आपको रिव्यू मेडिकल के लिए दोबारा बुलाया जाता है। जैसे कि आपका वजन बढ़ा हुआ हो या आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तो आपको रिव्यू मेडिकल के लिए कॉल किया जाता है। अब वो बातें जो जान लेना निहायत ही जरूरी है, यानी कि एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी और एसएसएफ, सेक्रेटरिएट सिक्योरिटी फोर्स की जो सिपाही की वैकेंसी है वो ऑल इंडिया बेसिस पर भरी जाती है और इसके मुकाबले में दूसरे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए सिपाहियों की जो वैकेंसी है वो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध वैकेंसी के आधार पर भरी जाती है।
कुछ वैकेंसीज सीमावर्ती जिलों जो बांग्लादेश या पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पड़ते हैं और उग्रवाद नक्सल प्रभावित जिलों के लिए सुरक्षित की जाती है और वहां रहने वाले कैंडिडेट के लिए आरक्षित होती है। बिहार में जैसे किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ऐसे जिले हैं जहां रहने वाले युवाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित की जाती है। अफसोस इस बात का है कि इन युवाओं को गाइड करने वाला कोई नहीं है। परीक्षा का अंतिम परिणाम साथ ही फोर्स एलोकेशन यानी कि किस केंद्रीय सुरक्षा बल के लिए कैंडिडेट को चुना गया है, यह सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपके परफॉर्मेंस के आधार पर एसएससी घोषणा कर देती है, जबकि पीएसटी, पीईटी और मेडिकल एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके कोई अंक नहीं है। अब हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलने वाली लेवल 3 पे मैट्रिक्स की पे स्केल है। बेसिक सैलरी आपकी 21,700 से 69,100 तक है। इसके अलावा आपको डीए यानी कि महंगाई भत्ता, आरएमए राशन मनी अलाउंस, एसपीए स्पेशल पे अलाउंस, एचआरए, टीए और दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं। सब मिलाकर इनिशियल पे 30,000 रुपए से ज्यादा की बनती है, जो कि हर साल 2 बार महंगाई भत्ता और 1 बार इंक्रीमेंट लगने से बढ़ता रहता है। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट की आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक है। यह जान लेना आवश्यक है कि जन्म तिथि और नाम मैट्रिक या सेकेंडरी एग्जाम्स की जो सर्टिफिकेट है या जो इक्विवेलेंट एग्जाम है उसमें जो अंकित है वही स्वीकार किया जाएगा। एज में जाति और दूसरे कारणों से छूट का भी प्रावधान है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से मैट्रिक या 10वीं पास अगर आप हैं तो 30,000 की तनख्वाह लेने के लिए आप हकदार हैं। कैंडिडेट को चाहिए कि सभी दस्तावेजों को ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां लेकर जाएं, यानी कि ओरिजिनल भी होनी चाहिए और फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड की भी होनी चाहिए। इनमें आपको शामिल है एज की, एजुकेशन की, जाति, डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, हिल एरिया के सर्टिफिकेट, एज, हाइट और वेट रिलैक्सेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो कैटेगरी का प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारी अगर हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना पड़ता है। ये सभी दस्तावेज डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान सीएपीएफ की बोर्ड द्वारा चेक किए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो ये डॉक्यूमेंट से साबित कर सकते हैं कि 10वीं की एग्जाम तो उन्होंने क्वालिफाई कर ली है, उसकी कट ऑफ डेट से पहले ही उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप पास हो गए हैं लेकिन रिजल्ट अभी नहीं मिला है, तो आप अगर आप अपने साथ कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट लेके जाएं तो आपको भी एजुकेशनली क्वालिफाइड माना जाएगा, यानी कि आप मैट्रिक पास के बराबर माने जाएंगे। दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं, फिजिकली फिट हैं और देश सेवा करना चाहते हैं तो 30,000 रुपए की हैंडसम सैलरी के लिए तैयार रहिए। बस हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जी जान लगा दीजिए। दोस्तों, जल्द ही डिफेंस कैडेट एकेडमी की शुरुआत किशनगंज में होने जा रहा है। वहां आपको सीधा मेरे गाइडेंस में रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल की पूरी तैयारी मिलेगी और मैं अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करूंगा, यानी कि 10,000 युवाओं को डिफेंस में भर्ती कराने का, और यकीन जानिए उसमें से आप भी एक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और जरूर लाइक कीजिए। कोई भी आपके अंदर शक है, कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। डिफेंस कैडेट एकेडमी की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।